नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की। आज शाम लखनऊ के हजरतगंज स्थित अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष शहर के बुद्धिजीवियों ने मेडिकल छात्रा डॉक्टर पायल तडवी की सांस्थानिक हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कहा है कि देश में प्रायोजित तरीके से आदिवासी, दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों एवं प्रतिभावान लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टर पायल है, वो मेडिकल के छात्र थी और वो मेडिकल के अंदर, ये मैं मानती हूँ, बहुत ही विडम्बनापूर्ण है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जब पढ़ा लिखा समाज होगा तो एडवांस होगा, मॉडर्न होगा, उसमें कम से कम जो जाति है उसके इस तरह से दंश नहीं होगा। लेकिन ये घटना इस बात को भी साबित कर रही है कि हमारे देश में अभी भी जाति का जो सोच है वो कितनी गहरी है कि एक आदिवासी लड़की जब डॉक्टर बनने के सपने को पालती है और वो जाती है मेडिकल में और वो करती है, उसकी पढ़ाई शुरू करती है, तो वहाँ पे जो ब्राह्मण समाज से आई हुई वो भी तीन महिला ही होती हैं और उसको इतना ज्यादा प्रभावित किया जाता है, जात सूचक उसके साथ व्यवहार किया जाता है, हमेशा उसको नीचा दिखाया जाता है, इससे इतना परेशान होती है पायल की वो सुसाइड करने का फैसला लेती है। जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए और आदिवासियों के लिए भी अगर वो डॉक्टर बनती और किसी भी एक क्षेत्र में आदिवासियों के लिए भी काम करती तो वो केवल एक आदिवासी के लिए नहीं होता, वो इस देश के लिए काम होता। जहाँ पे अभी भी डॉक्टरों की ये हालत है कि बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जहाँ एसी है, जहाँ सुविधाएं हैं, वहाँ ही काम करना चाहते हैं, ऐसे अगर डॉक्टर मिलते तो उस क्षेत्र में जाते हैं और इस देश के और इस गरीब तबका है जिसको सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत है, वो उसको कर पाने में कहीं ना कहीं सक्षम होती। तो ये जो उसकी संस्थानिक हत्या हुई है, मैं इसे सुसाइड नहीं मानती, ये उस व्यवस्था की देन है, उस व्यवस्था की वजह से उसका सुसाइड किया है जिसमें जाति को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 5 साल से जब से मोदी की सत्ता छीन हुए थे, और दुर्भाग्य है इस देश का, मैं दुर्भाग्य मानती हूँ कि वो फिर से सत्ता छीन हुए हैं, तब से इस तरह के जो ब्राह्मणवादी सोच की जो ताकतें हैं इनके हौसले बुलंद हुए हैं, इस तरह के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इनके हौसले बुलंद हुए हैं। अगर रोहित डोमुला की जो हत्या थी, जो संस्थानिक हत्या हुई थी, उस समय भी हम लोगों ने उसको हत्या ही माना था, अगर उस समय जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, जिन लोगों ने उसको सुसाइड करने के लिए बात किया था, अगर इस देश में अम्बेडकर को पढ़ना, अम्बेडकर को समझना, अम्बेडकर को जानना अपराध होगा और इस आधार पर किसी को मजबूर किया जाएगा कि वो सुसाइड कर ले, तब ऐसे जब समाज हम बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि पायल जैसे आदिवासी लड़की को भी सुसाइड करने के लिए बात किया गया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और जो ये मनोवादी सोच है, इस मनोवादी सोच के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हम लोग इसी एकजुटता में आज यहाँ आए हैं, अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और पायल को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग आंदोलन करते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर पायल तडवी के हत्यारों एवं मेडिकल कॉलेज प्रबंध तंत्र को गिरफ्तार कर डॉक्टर पायल को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। नेहरू जी की पुण्यतिथि भी है आज, नेहरू जी से डरते हैं। आज रमेश जी ने लोगों ने कार्यक्रम भी रखा, आज नेहरू ने हमारे देश में आजादी के बाद जिन योजना को चलाया, जिन सौहार्द के एक नए भारत, एक आधुनिक भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक समाजवादी भारत की उन्होंने परिकल्पना की थी, एक लोकतांत्रिक भारत की कल्पना की थी, परिकल्पना की थी, आज सबको नष्ट किया जा रहा है। और एक ऐसा हिंदुस्तान, एक खतरनाक हिंदुस्तान, हर आदमी को भेड़िया बना देने पर यह व्यवस्था तुली है, तो यह समय है खतरनाक। मैं तो समझता हूँ यह समय मरने का नहीं। अभी नरेश जी ने पिछले दिनों एक कविता सुनाई थी कि मच्छर की तरह हमें नहीं मरना है, हमें मार के मरना है। तो दोस्तों, ये समय यही ऐसा हो गया है कि मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खड़ा होने, लड़ने और मारने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और डॉक्टर पायल को न्याय मिले, यह मैं मांग करता हूँ। लखनऊ, उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए
कलीम इकबाल की रिपोर्ट। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक।